रेल यात्री सुविधा समिति के अध्यक्ष पीके कृष्णदास, कमेटी सदस्य राजेंद्र फड़के, कैलाश वर्मा बुधवार सुबह जयपुर मंडल रेल अधिकारियों के साथ सीकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर आम जनता के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया एवं सुविधाओं का जायजा कर विस्तार कर विश्वास दिलाया। भाजपा पूर्व जिला मीडिया प्रमुख सीमा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी चेयरमैन ने स्टेशन पर बैठे रेल यात्रियों से भी चर्चा की। स्टेशन पर साफ सफाई, शौचालय, रेल के आवागमन की जानकारी हेतु होने वाले अनाउंसमेंट के बारे में और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाने का भी निरीक्षण किया। यहाँ की व्यवस्थाओं और साफ सफाई से वे संतुष्ट नजर आए और यहाँ के रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रशंसा की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, महामंत्री रमेश जलधारी, रतनलाल सैनी, पार्षद राजू स्वामी, विजय सैनी, सिकर व्यापार संघ अध्यक्ष महावीर चौधरी, प्रदीप पारिक महामंत्री, व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रेल सुविधा विस्तार समिति अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, विनोद नायक, महावीर पुरोहित सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार। केंद्र सरकार की जो रेलवे मंत्रालय है उसकी यात्री सुविधा समिति के सदस्य माननीय श्री चेयरमैन श्री कृष्णदास जी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम यहाँ जयपुर डिवीजन का निरीक्षण करने के लिए आई है। आज हमने शुरुआत सीकर स्टेशन से की है। सीकर स्टेशनों पे हमने सुविधाओं का हम देख रहे हैं, जो भी यात्री सुविधा से संबंधित जो भी सूचनाएं माननीय यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है उन्होंने हमें निवेदन दिया। यहाँ के जो पैसेंजर एसोसिएशन है, जो व्यापारी एसोसिएशन है, यहाँ निरंतर मांग हो रही है आरओबी की, लिफ्ट की, कुछ इंडिकेशन की। तो ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेशन होने वाला है उसमें इस सीकर स्टेशन को 9 से 10 करोड़ का सेंक्शन अब तक हो चुका है और यह काम का टेंडर भी अभी वो अलॉट कर देंगे और यह स्टेशन आने वाले दिनों में एक अच्छा स्टेशन, एक आदर्श स्टेशन के रूप में आपको विकसित दिखाई देगा। उसी प्रकार के जयपुर स्टेशन और अन्य स्टेशनों पे भी यह काम बड़ी गति से काम हो रही है। माननीय रेल मंत्री का और नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सभी स्टेशनों को हम अपग्रेड करके एक आदर्श स्टेशन के रूप में स्थापित करेंगे। यहाँ की जो भी व्यवस्था है यात्री सुविधा से संबंधित उसका हमने शौचालय का निरीक्षण किया है, वेटिंग रूम का निरीक्षण किया है। खास करके हमने जो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी जो उन्होंने कहा है, यहाँ पे एक आरओबी है, उस आरओबी को चौपदरीकरण यानी चौराकरण करना है। उस दृष्टि से भी कल डीआरएम मीटिंग में भी उस पर चर्चा करेंगे और यहाँ से कई गाड़ियाँ जो कोरोना के पहले यहाँ से चलती थी पैसेंजर गाड़ियाँ, उस गाड़ियों को रिस्टोर करने का भी हम प्रयास करेंगे। यह बात हम केंद्र में भी उठाएंगे और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी है उनको आश्वस्त करते हैं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह स्टेशन आदर्श रूप में स्थापित होगा। रेलवे पीएससी चेयरमैन ने आज किया सीकर स्टेशन का निरीक्षण। रेल यात्री सुविधा समिति के अध्यक्ष पीके कृष्णदास, कमेटी सदस्य राजेंद्र फड़के, कैलाश वर्मा आज बुधवार सुबह जयपुर मंडल रेल अधिकारियों के साथ सीकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर आम जनता के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया एवं सुविधाओं का जायजा कर विस्तार का विश्वास दिलाया। यहाँ की व्यवस्थाओं और साफ सफाई से वे संतुष्ट नजर आए और यहाँ के रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रशंसा भी की। सीकर से न्यूज़ 21 के लिए दीपशिखा।